अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल हसन। और गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे ओप्पो के एक अपकमिंग स्मार्टफोन यानी कि ओप्पो R17 के बारे में। यह स्मार्टफोन है इंडिया के मार्केट में कल ही लॉन्च हो चुका है। बहरहाल जो भी है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको स्मार्टफोन की मुकम्मल और तमाम तरह स्पेसिफिकेशन बताने जा रहा हूँ कि अगर स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में लाया जाता तो स्मार्टफोन की प्राइस क्या रखी जाएगी, ये स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए भी या फिर नहीं। अगर आप ओप्पो के लवर हैं या ओप्पो F17 का वेट कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉचना है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे अभी तक YouTube चैनल टेक्निकल सन पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही मैंने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि इन फ्यूचर मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और आप उनको देखकर फायदा हासिल कर सकें। चलिए गाइस, आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह बात को स्टार्ट करें स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम से। इस पर आपको एंड्रॉइड 10 OS का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, कलर OS 7.2 देखने को मिलता है आपको स्मार्टफोन के अंदर। यहीं पर बात करूँ स्मार्टफोन कलर्स की, तीन कलर में आएगा ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में, डायनेमिक ऑरेंज, नेवी ब्लू और क्लासिक सिल्वर में आ सकता है पाकिस्तानी मार्केट में। तो यही अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के CPU प्रोसेसर की, 2.0 GHz के ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है आपको स्मार्टफोन के अंदर। यहीं पर अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन प्रोसेसर की यानी कि चिपसेट की, इस पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 11 nm टेक्नोलॉजी पर बेस करता है। यानी कि स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है वो भी नॉर्मली देखने को मिलेगी, ना इतनी कोई बुरी देखने को मिलेगी ना कोई इतनी अच्छी देखने को मिलेगी। गेमर्स के लिए स्मार्टफोन बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे अच्छा आप रेडमी का 9 ले लें, उसमें आपको G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 720G से कंपेयर करें तो फिर भी तेज़ बनता है। और यहाँ पर आपको 662 चिपसेट देखने को मिलता है ओप्पो F17 के अंदर जो कि 665 से थोड़ा कम है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 में आपको GPU और CPU की स्पीड थोड़ी फास्ट देखने को मिलती है। रिनो 610 का GPU देखने को मिलता है, मतलब कोई स्मार्टफोन ग्राफिक्स हैं वो हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं। यहीं पर मैं बात करूँ स्मार्टफोन डिस्प्ले की, डिस्प्ले इसमें मेन है सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलता है 6.44 इंच का, 1080 पिक्सल फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 409 KB डेंसिटी भी देखने को मिलने वाली है आपको स्मार्टफोन के अंदर। यहीं पर अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन मेमोरी की, दो वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट में, 4 GB, 64 GB और 128 GB 8 GB रैम वाला। गाइस, यहीं पर अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की मेन स्पेसिफिकेशन एज वेल एज कैमरा, सो 256 क्वाड कोर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, मतलब पीछे आपको 4 कैमरे देखने को मिलेंगे। मेन होगा उसमें 16 MP का वाइड एंगल लेंस है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ देखने को मिलता है बैक साइड के ऊपर। फ्रंट कैमरे की बात कर लीजिए, आपको 5 होल में सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है जिसमें आपको 16 MP का सेल्फी देखने को मिलती है। बैक और फ्रंट कैमरे से आप 1080 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस पर आपको 2.0 टाइप सी वाला पोर्ट देखने को मिलती है, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है आपको स्मार्टफोन के अंदर। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इस पर आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और 30 W की फास्ट चार्जिंग के साथ। प्राइस की बात कर लीजिए, जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है वो बताई जा रही है 37,000 पाकिस्तानी मार्केट में। अगर स्मार्टफोन 40,000 से ऊपर जाता है तो ये स्मार्टफोन ओवर प्राइस स्मार्टफोन हो जाएगा। आपको स्मार्टफोन कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो बताना। चैनल सब्सक्राइब कर ले, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट स्टूडियो में। दुआ में रखना, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।